हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, व्हाट डू मीन बाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, तो हम लोग ये देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग द सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर फ्रॉम द सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो हमारा किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट का प्रोसेस को देखना, उसको एनालाइज करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना, और उसके बाद उसमें हमें ये पता करना कि सिस्टम कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, सिस्टम से क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए क्या ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट है, इसको हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट में रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस और अ सिस्टम कंस्ट्रेंट टू अ डिटेल मैथमेटिकल फंक्शन स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट आपका एक, अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको सिंपल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कह सकते हैं, वी वॉन्ट एन एफिशियंट सिस्टम। बट बिसाइड्स दिस आप उसको एक एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द कार, वी मे से दैट द वी नीड्स अ फ्यूल एफिशियंट कार, बट वी मे ऑल्सो से दैट वी नीड अ कार विच गिव्स अस अ माइलेज एटलीस्ट 20 किलोमीटर पर लीटर। तो दीज टू आर डेफिनेशन और रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। द फर्स्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट, इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट वी आर जस्ट डिफाइनिंग दैट वी वॉन्ट अ कार दैट इज फ्यूल एफिशियंट। हियर वी आर नॉट सेटिंग अप एनी कंस्ट्रेंट ऑन इट एंड वी कैन ऑल्सो सेट अप द कंस्ट्रेंट लाइक दैट वी आर क्लियरली मेंशनिंग दैट द माइलेज शुड बी ग्रेटर देन 20 किलोमीटर पर लीटर। सो हियर देयर आर सम मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट एंड फंक्शन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो रिक्वायरमेंट में बी डिफाइंड इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एज वेल एज इन सम मैथमेटिकल फंक्शन ऑल्सो। द फर्स्ट फॉर्म दैट इज द रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्शन। तो सपोज ए कंपनी विश टू लेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इनिशियली इट इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इट एक्चुअली वांट्स, बिकॉज इन सम इनोवेटिव फील्ड दे लैक एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट से क्लियरली दैट व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया फॉर द एक्सेप्टेंस। सो इन दैट केस दे यूज द लैंग्वेज इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट एंड दे राइट इट डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन कॉन्ट्रैक्ट यू राइट इट इन द दैट इन सम एब्स्ट्रैक्ट वे दैट व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट फॉर द system. So these you cannot deny that because they for the large project where the situation or detailing are not present in the very initial stage, then the only way to represent the requirement is some abstract format. And but these abstract statements are written in documents and these are used to create the contract between the client and the developer. Now we shall find out what are the requirements, what are the different type of requirements. So suppose the requirement, there are some system requirement. In system requirement, a structured document also called the functional specification setting out of detailed description of system function, service and operational constraint. Define what should be implemented, so may be part of contract between the client and the contractor. So these are the some of the system related function and the operational constraint. By fulfilling only these, the software can run properly. So there are some system requirement, because only after implementing or we are fulfilling these basic requirement or operational constraint, the software can structure in a proper way. So these are the system requirement and some of the user requirement are defined in natural language plus some diagrams of the service to how the it is written by the customers. Now suppose we are taking the library system. So in library system, the user requirement are like that library system shall keep track of all data required by copyright licensing agency in India and elsewhere. So in here he is just defining that he want to track all data required by copyright license agencies. तो जो कॉपीराइट एजेंसी है उनके इंडिया में, उनको क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है उसको सिंपल वर्ड में दिया। अगर आपको ये सिस्टम बनाना है तो क्या करना होगा, ऑन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइब्रेरी द रिक्वेस्टर शैल बी प्रेजेंट विद अ फॉर्म
दैट रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द यूजर एंड द रिक्वेस्ट मेड, कि यूजर आपकी जो रिक्वायरमेंट बना रहा है, यूजर की डिटेल्स और उसके लिए क्या क्या रिक्वेस्ट बनाई है आपके पास, ये आपके पास होना चाहिए. लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म शैल बी स्टोर्ड ऑन द सिस्टम फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट. तो लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म जो भी होंगे ऑन द सिस्टम वो सॉर्टेड होने चाहिए डेट के बेस, 5 साल तक के डेट पे फॉर्म में होने चाहिए. ऑल द लाइब्रेरी सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर्म मस्ट बी इंडेक्स्ड बाय द यूजर बाय द नेम ऑफ द मटेरियल रिक्वेस्टेड. तो कुछ आपकी क्लियर कट रिक्वायरमेंट है जिनको आपको फुलफिल करने के बाद आप उस सिस्टम को रन कर सकते हैं. तो सिस्टम आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी स्पेसिफिकेशन है कि सिस्टम में आपको क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद ही आप यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे. तो यूजर रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो आपके यूजर का मतलब केवल यूजर नहीं, वो हमारे क्लाइंट मैनेजर्स, वो क्लाइंट हो सकते हैं, सिस्टम एंड यूजर हो सकते हैं, क्लाइंट के डेवलपर जो इंजीनियर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हो सकते हैं जो फाइंड कर रहे हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट हो सकते हैं, और सिस्टम रिक्वायर्ड में भी सिस्टम एंड यूजर, क्लाइंट इंजीनियर्स, सिस्टम आर्किटेक्ट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे या सॉफ्टवेयर को जो डिजाइन करेंगे, और या इंजीनियर्स हैं वो ज्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट डिसाइड अपनी देंगे. मतलब यूजर रिक्वायरमेंट तो सभी देंगे, जो मैनेजर यूज कर रहा है वो भी देगा, जो सिस्टम को यूज करने वाला है एप्लीकेशन को वो भी देगा, और उसके बाद से सिस्टम का आर्किटेक्ट है वो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स देगा अपने डेटा फिल करने के लिए, वो भी देगा कि एज ए यूजर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो खुद भी टेस्ट करेगा. तो लेकिन बट सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपका ज्यादा भी सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट भी इनमें से ही एक सबसेट आपको देगा. अब आते हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर. तो फंक्शनल स्टेटमेंट और सर्विसेज, फंक्शनल रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज, द सिस्टम शुड प्रोवाइड, हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट एंड हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन. तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, व्हाट द फंक्शनैलिटी वुड बी, हाउ इट विल इंटरैक्ट, हाउ इट विल बिहेव व्हेन सम काइंड ऑफ इनपुट इज गिवन टू इट. तो दिस आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. एंड तो आपको सपोज इफ यू आर डिपॉजिटिंग सम मनी देन in your account, then money should be added to your account and should generate some statement that the final figure in the account is this one. And non-functional requirements constraint on the service or function offered by the system, such as timing constraint on the development process standard, etc. So these are non-functional, that you have to satisfy certain timing constraint that you should give output within 5 seconds or 10 seconds. And like this, and domain constraints. Some domain requirement are requirement that come from the application domain of the system and reflect the characteristic of the domain. So, isme aapka ho jayega. Now the functional requirement. Functional requirement mein aapka ki system ki kya functionality hai, system ko isme kya karna chahiye, wo kya functionality jo hai. यूजर एक्सपेक्ट करता है और क्या क्या इसको प्रोवाइड करना चाहिए, एक सर्टेन इनपुट देने पे सिस्टम को उस फंक्शन को क्या आउटपुट जनरेट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे, एक्सपेक्टेड यूजर पे एंड द टाइम ऑफ सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड. और सेकंड है फंक्शनल यूजर रिक्वायरमेंट मे बी हाई लेवल स्टेटमेंट या आपको और व्हाट द सिस्टम शुड डू इसको हम लोग कहेंगे. एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट शुड डिस्क्राइब द सिस्टम सर्विस इन डिटेल्स. जैसे कि अगर हम लोग लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो आर लाइब्रेरी सिस्टम दैट प्रोवाइड अ सिंगल इंटरफेस टू अ नंबर ऑफ डेटाबेस ऑफ आर्टिकल इन डिफरेंट लाइब्रेरी. अगर वो डिफरेंट लाइब्रेरीज की डेटाबेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, यूजर कैन सर्च फॉर डाउनलोड एंड प्रिंट दीज आर्टिकल फॉर पर्सनल स्टडी. तो ये आपका लाइब्रेरी सिस्टम से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत सारे डेटाबेस को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करे जिसके थ्रू वो सारे डिफरेंट डेटाबेस को एक्सेस कर सके और उसके बाद यूजर उससे आराम से प्रिंट और डाउनलोड कर सके. तो ये आपका एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. The user should be able to search either all the initial set of database, वो सभी जो एक सिंगल इंटरफेस से सारे डेटाबेस को सर्च कर सके और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट कर सके. और सिस्टम should provide the appropriate viewer for the use to read document in the document store. तो यूजर को उसको हम जो यूजर हैं और सिस्टम को आपका जो आपका प्रॉपर व्यू जो आपके असाइंड यूजर हैं या ऑथेंटिक जो आपके वेरीफाइड यूजर्स हैं वही उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें. ये काम भी आपका जो उस प्रॉपर उस लाइब्रेरी के मेंबर हैं या जो उस लाइब्रेरी के रजिस्टर्ड मेंबर हैं वही उसको
रिव्यू करें, बाकी लोग ना करें, तो दैट इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट कि हर कोई इसको ना एक्सेस करे. ओनली द इंटेंडेड यूजर हु बिलोंग्स टू दैट लाइब्रेरी शुड गेट एक्सेस टू द डेटाबेस. एंड एवरी ऑर्डर शेड बी एलोकेटेड अ यूनिक आइडेंटिफायर विच द यूजर शैल बी एबल टू कॉपी टू द अकाउंट परमानेंट स्टोरेज एरिया. तो एवरी यूजर एवरी ऑर्डर शुड गेट एन यूनिक आइडेंटिफायर एंड टू और दैट शुड बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज. तो यूजर रिक्वायरमेंट, तो यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट्स इंप्रेशन प्रॉब्लम्स अराइजेस व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड. एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट मे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे बाय डेवलपर एंड यूजर्स. सो द वी शुड एंड क्लियरली डिफाइन हु आर द अप्रोप्रिएट यूजर. तो रिक्वायरमेंट शुड बी डिफाइंड कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली. Requirement should not have conflict with and contradiction with the other descriptions. And all the services required by the user should be well defined. There should be no ambiguity in it. Now, the non-functional requirement. Related to the emergent properties and constraint, the emergent property are reliable response time, storage, and so on. These are not the functional requirement. Functional requirement are already given. But they, you need some security, the reliability of the service, minimum response time. That are the performance related and quality related constraints on basis of which you demand some things. These are kinds, all these requirements comes under the non-functional requirement. When you fulfill the device, but you need require a quality. So the constraint are the input output capability, data representation. Process requirement may also be specified mandating a particular case system. Non-functional requirement may be more critical than the functional requirement. If these are met and not met, then system is of no use. So non-requirement, functional requirements are types are product requirement, organizational requirement, and external requirement. Product requirements are execution speed, memory requirement, and probability requirements, and usability requirement. But organizational requirements are derived from the customer and the developer organization policies. So there are every organization have some policies, and it needs that every software and product that are being built here should satisfy all these, and there are some standards also which it must fulfill. External requirement derived from the factors which are external to the system, the like the interoperability requirement. Suppose your software is working on a system where there are some already installed software, then there should be compatibility in between. And due to some, there are some government policies and rules, regulation by the particular locality, local government, which you must have to follow. These are called the legislative requirement, and there are some ethical requirements you should follow also. So non-functional and functional requirement can be divided like this, in this as shown in this chart. So all these which are related with the reliability, maintainability, and ethical requirement, legal requirements, and organizational requirements, all these comes under the non-functional requirements set. For example, in the library management system, the product requirement, the user interface for the library management system shall be as simple HTML without frame or Java applet. So that's all about the functional and non-functional requirement.